पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। साई, मैं पूरी रात कुलकर्णी वाड़े के आसपास रहा, इस उम्मीद में कि उन अधिकारी के बारे में कोई तो समाचार मिले मुझे। मेरा मन बहुत घबरा रहा है साई, बहुत डर लग रहा है मुझे। अगर किसी को पता चल गया तो मेरा जीवन तो पूरा बर्बाद हो जाएगा साई। तुम चिंता मत करो सुभाष, आज तो खुशी का दिन है तुम्हारे लिए। तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां दूर हो चुकी हैं, क्योंकि तुम्हारे गुनाह के लिए कोई और बेकसूर सजा काट रहा है। ये क्या हो गया? मैं नहीं चाहता था कि मेरा इल्जाम कभी किसी और पर लगे, और मैं भी बेकसूर हूँ। तुम बेकसूर नहीं हो सुभाष, माना कि तुम्हारे कारण ठाकुर साहब कुएं में नहीं गिरे, लेकिन तुम्हारा अपने और अपनी जीवन शैली के प्रति जो मोह है, जिसके कारण तुमने किसी और के बारे में नहीं सोचा, वो गलत है। और अगर अब भी तुम सच नहीं बोलोगे और किसी बेगुनाह को सजा होने दोगे, तो तुम्हारी गलती गुनाह बन जाएगी। इसलिए अगर तुम खुद को बेकसूर मानते हो तो सच का सामना करो, छोड़ दो ये मोह, क्योंकि जो इंसान सच की राह पे चलता है वो कभी हारता नहीं है। आपकी बात सच है साई, मैं मानता हूँ, लेकिन जिसे आप मोह कह रहे हैं वो मेरा डर है, उसे कैसे भुलाऊं मैं? तुम भी इसी डर के कारण चुप हो, और जो पकड़ा गया है वो भी मोह और डर के कारण सच नहीं बोल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें खुद का मोह है, और जो पकड़ा गया है उसे तुम्हारा। मेरा मुंह किसे, इसकी बात कर रहे हैं आप साई? दादाजी, दादाजी कहाँ हैं? दादाजी, ऐसा नहीं हो सकता। पुलिस आई थी सुभाष, एक सोने की माला लेकर, जो उन्हें कुएं के पास मिली। ये सुनकर अमरपाल जी ने कहा कि उस अधिकारी को धक्का देते हुए उनकी माला कुएं के पास गिर गई थी। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।